हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 और क्लास टेंथ के इंग्लिश यानी अंग्रेजी विषय के क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम पहले सेक्शन ए की ओर चलते हैं। सेक्शन ए में एक पैसेज दिया है जिसे आपको पढ़ना है। पैसेज का जो मेन थीम है वो डिसिप्लिन पर आधारित है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वॉट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर है, फॉर्म्स करेक्टर एंड मेक्स हिमसेल्फ फिट एंड फिट सिटीजन। इसका फर्स्ट वाला आंसर सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वॉट इविल्स डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही लाइक्स। तो इसका राइट आंसर है, कैच कोल्ड एंड फॉल इल। ये इसका राइट आंसर रहेगा कि जब व्यक्ति को बच्चा कब क्या होता है जब वो विभिन्न परिस्थितियों से नहीं जूझता है तो कैच कोल्ड एंड फॉल इल। अगला है, व्हाट आर गुड हैबिट्स। तो गुड हैबिट्स क्या है, तो अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस, उन चीज़ों को छोड़ना जो कि हमारे लिए घातक होती है। गिव अ सुटेबल टाइटल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इस चैप्टर को पैराग्राफ को पढ़कर आपको पता चलेगा। वॉट डज स्पॉइल्ट मिल। स्पॉइल्ट का मतलब होता है नष्ट करना, तो इसमें आएगा डिस्ट्रॉयड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक पैसेज दिया है जो कि गैरबेज से रिलेटेड है, कूड़ा करकट से रिलेटेड है और ये किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, सारी बातें इसके अंतर्गत लिखी गई है आपको, और किस तरह से इसका पुनर्उपयोग किया सकता है, इसका मेन थीम है। तो इसमें हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, द मेन सोर्स ऑफ गैरबेज इज प्रेजेंट कंडीशन आर। तो इसमें आएगा हाउस होल्ड थिंग्स, इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद लिव्स एंड कैन रीच फर्टिलिटी, वो उसमें सोइल के अंदर पत्तियां क्या कर सकती है, फर्टिलिटी ने उसकी उर्वरकता को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइक्लिड। तो रिसाइक्लिड का नाउन फॉर्म क्या है, तो रिसाइक्लिंग करना नाउन फॉर्म में इसको उपयोग किया गया है। और उसके बाद में गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नीरेस्ट। नीरेस्ट का नज़दीकतम का सबसे अर्थ क्या होता है, नीरेस्ट मतलब बहुत क्लोज जो हमारे हैं, हम कहते हैं क्लोजेस्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्लोजेस्ट रहेगा। और गैरबेज कैन बी रीयूज्ड, गैरबेज कैन कूड़ा करपट को पुनः कैसे उपयोग कर सकता है, उसको रिसाइक्लिंग करके। तो इसका राइट आंसर क्या है, और रिसाइक्लिंग। उसका सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी जो है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द एजुकेशन। तो ये एक पैसेज है, इसको पढ़ना है और ये खासकर गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर रिलेटेड है, उसके इम्पोर्टेंस पर रिलेटेड है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स इसकी मेन थीम है। तो आइए, यहाँ पर लिखा है, ये इस पर आपको समरी लिखना है, जो मैके नोट लिखना है, नोट तो आप लिख पाएंगे लेकिन सूटेबल टाइटल भी आप लिख पाएंगे इसमें, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, या लिख सकते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड देयर मीनिंग्स, या गेम्स एंड स्पोर्ट्स से सूटेबल रहेगा आप वो लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बुक बैंक से रिलेटेड एप्लीकेशन लिखने का कहा गया है, एन एप्लीकेशन ये लिखा है। और राइट एन एसे इन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज आपने पढ़ा होगा, गेम वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स यदि आपको नहीं आता है तो इससे पहले वाले में आपने शायद, मुझे लगता है यदि आपके अंदर कहीं ध्यान से प्रश्न पत्र पड़ा होगा तो इसमें से भी आप आंसर उसका बना सकते थे कुछ हद तक, वैसे पूरा नहीं बना सकते लेकिन कुछ हद तक आप बना सकते हैं, तो उस स्थिति में आपको नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक इसमें 150 वर्ड्स टू सेव वाटर पर एक आपको पैराग्राफ लिखना था, और एक ये यहाँ पर एक चित्र दिया गया है ताजमहल का दिया गया है, तो आपको क्या करना था, 75 वर्ड्स इस पर लिखने थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी बहुत मज़ेदार सेक्शन है जिसे सर आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, वी टू सर्व अवर नेशन। तो टू कहाँ आता है, शुड टू के बाद, आठ के बाद हमेशा टू आता ही है, तो और शुड का टू नहीं आता, मे के बाद टू नहीं आता, तो डेफिनेटली वी ऑट टू सर्व अवर नेशन। तो अगला है, आई कम इन द क्लास रूम क्वेश्चन मार्क है, तो मे आई कम इन, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इजाज़त लेने के लिए हम मे का जनरली प्रयोग करते हैं। तो
तो यहाँ पर इसमें मे आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा दे फुटबॉल इन द इवनिंग, तो देखिए फुटबॉल इन द इवनिंग तो दे प्ले, ये आदत बता रहा है कि दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं, तो उसे प्रेजेंट फॉर्म लिखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्ले होगा, दे के साथ प्ले आएगा, ही होता तो प्लेस हो जाता लेकिन यहाँ दे आएगा। आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, तो इसमें क्या आएगा, सिंस आएगा, मैं यहाँ सोमवार से हूँ। उसके बाद में आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, ये सेकेंड वाला ऑफ जो है ना, वो सेकेंड वाला बीच वाला ऑफ सेकेंड नंबर पे जो है वो, और लुक बिफोर यू लीव, लुक बिफोर यू लीव अक्सर आपने पढ़ा हुआ है, तो लुक बिफोर यू लीव इसमें आएगा। ही हैज़ ए 1 रुपी नोट, इसमें क्या आएगा, ए 1 रुपी नोट, ए आएगा। उसके बाद चलते हैं डू इज डायरेक्टेड पर, क्षमा चाहता हूँ, डू इज डायरेक्टेड है इसमें, दे डिड देयर वर्क, तो इसमें आएगा दे डिड नॉट डू, यहाँ पे एक नॉट और डू लिख देंगे, कहाँ पर डिड और देयर, देयर के में दे डिड नॉट डू देयर वर्क। उसके बाद में माई मदर इज कुकिंग फूड, इंट्रोगेटिव, तो इसमें इज को पहले रख देंगे और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क भी लगाएं, इज माई मदर कुकिंग फूड, इसका राइट होगा। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, इसको किससे करना है, इट से स्टार्ट करना है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि री राइट सेंटेंस विथ इट, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इज से पहले इट लिखेंगे, कहाँ लगाएंगे इट, कहाँ लगाएंगे इज से पहले, तो क्या हो जाएगा, इट इज ए गुड एक्सरसाइज। उसके बाद टू करके स्विमिंग का फर्स्ट रूप लिखेंगे, स्विम टू स्विम आपको लिखना है, यहाँ इट हो गया, इट इज ए गुड एक्सरसाइज टू स्विम, इसका राइट रहेगा। और प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग, तो प्रीति सेड दैट, और उसके बाद में इशिता वाज वर्किंग, इसको क्या कर देंगे, वाज वर्किंग, और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, इन्वर्टेड कामा नहीं लगाने का, प्रीति सेड दैट इशिता वाज वर्किंग, इसका राइट रहेगा। द बॉक्स इज वेरी हैवी, इट इट कैन नॉट लिफ्ट इट, तो इसमें लिखना है सो देट का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पहले वाला सेंटेंस चालू करेंगे, द बॉक्स इज सो हैवी, उसके बाद में हैवी के बाद में लिखेंगे दैट दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, इस तरह से इसका ये हो जाएगा, द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ ही टेक्स ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, तो ध्यान दीजिए अनलेस कहाँ लाएं, इफ के स्थान पर अनलेस लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जब अनलेस लगाया है तो दूसरे वाले वाक्य में हमें नॉट भी लगाना पड़ेगा, और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस लगाने से इधर का वाक्य चेंज हो गया है। इफ ही टेक ए टैक्सी ही विल नॉट रीच द ही विल रीच द स्टेशन, यदि वो टैक्सी लेता है तो स्टेशन पहुंच जाएगा, और अब हमने अनलेस लगाने से क्या होगा, यदि वो टैक्सी नहीं लेता है तो नहीं पहुंचेगा, तो ही विल नॉट रीच द स्टेशन। फिर सुन लीजिए, अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन, ये हमारा इस तरह से बनेगा। इसके बाद में सी वॉज ड्राॅइंग ए पिक्चर, चेंज द वॉइस, तो इसमें हम लेंगे ए कहाँ चालू करेंगे, फिर से बताता हूँ मैं आपको, ए पिक्चर वॉज बींग ड्रोन बाय हर, डी आर ओ डब्ल्यू एन लिखना है, ए पिक्चर वॉज उसमें बींग ड्रोन बाय हर, इसका राइट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, लेंचो रोट ए लेटर, तो किसको लेटर लिखा, गॉड को उसने लिखा था, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव, तो उसके कितने ब्रदर्स थे, तो उसके आपने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, 2 ब्रदर्स थे। और उसके बाद में हु वाज द यंग, सॉरी ये तो हो गया हमारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड नरेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, जॉयली, इसका राइट आंसर है। उसके बाद जॉयफुली सेंटर लुक्ड नरेटिव, तो इसका हमने क्या पढ़ा है, जॉयली,
एक मिनट, थर्ड के बाद यही है ना, फोर्थ, ठीक है। उसके बाद में एनी बेस्ट फ्रेंड वॉज, इसमें आपको क्या लिखना है, एनी बेस्ट फ्रेंड वॉज। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन छूट गया था, मैं पुनः रिपीट करता हूँ। जैसे यहाँ पर था हु वाज विद द यंग सीगल ऑन द लेज, तो इसमें हमारा क्वेश्चन छूटा था, ही वाज अलोन, वो कैसे था, अकेला था। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड नरेटिव, तो ये इसमें है स्ट्रैंजली, ये राइटर रहेगा। और उसके बाद में एनेज बेस्ट फ्रेंड वॉज हर डायरी, क्योंकि उसने अपनी डायरी मेंटेन कर रखी थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ब्रेड मेकिंग इन पॉपुलर इन, तो क्या होगा, गोवा, ये इसका राइट आंसर रहेगा। और उसके बाद में आपको ये पैसेज पढ़ना है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बिलो, तो ये तो आपको पढ़ना है, मैं सीधे इसके आंसर्स बता देता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फिल फुल नेम ऑफ बाउंस वाज, तो ये विले बाउंस। और उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स इन विच वंदा स्टडी आर, तो 13 रूम थे, नंबर ऑफ रूम्स पूछा गया था। और हु वेंट एट होम अलान, तो इसका राइट आंसर है वंडा, इसका रहेगा वंडा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये पैसेज है जो कि आप देख रहे हैं, जो आपको एक्सट्रैक्ट है ये पढ़ना है, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस के आंसर हैं। व्हाट हैपन टू द बाय, तो द बाय वॉज सेड, इसमें क्या लिखना है, द बाय वॉज सेड, सी वाला ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में विच वर्ड मीन्स सेम मैरिली, तो ये क्या है, यहाँ क्लियर दिख नहीं रहा है, पर ये इसका ज्वाइली राइट आंसर रहेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाय हैज़ लॉस्ट हिज बाल, इट इज़ द, तो इसका राइट आंसर है इट इज़ इन द वाटर, कहाँ पे गुम हो गई थी बाल उसकी, तो वो वाटर में गुम हो गई थी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस तरह से दिए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। हमारे इस प्रश्न पत्र को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।